आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ जनपद के हरियतपुर घराने के कलाकार आदर्श हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुशील यादव उर्फ गोल्डी को पुलिस ने शुक्रवार देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। असलाह बरामदगी के दौरान उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। अस्पताल में उसका उपचार किया जा रहा है। उसके साथ हत्याकांड के एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। 20 सितंबर को कंद्रापुर थाना क्षेत्र के हरियतपुर गांव में तबला वादक राजेश मिश्रा के पुत्र आदर्श मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में आदर्श के पिता राजेश मिश्रा की तहरीर पर सुशील यादव उर्फ गोल्डी, मोनू यादव, काजू शर्मा समेत 4 लोगों को नामजद किया गया था। पुलिस ने बीते गुरुवार को ही मुठभेड़ में आरोपी मोनू यादव को गिरफ्तार किया था। वहीं शुक्रवार की रात करीब 9 बजे कंद्रापुर थाना क्षेत्र के दूधनारा तिराहे के पास से सुशील यादव उर्फ गोल्डी एवं उसके साथी काजू शर्मा को बाइक समेत गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि 2 घंटे की पूछताछ के बाद हत्या में प्रयुक्त असलहे की बरामदगी के लिए पुलिस टीम गोल्डी को लेकर रात 11:30 बजे कंद्रापुर थाना क्षेत्र के करहनुआ मठ के पास ले गई। इस दौरान गोल्डी ने पुलिस पर छिपाए गए असलहे से फायर कर दिया। आत्मरक्षा में पुलिस टीम ने भी गोल्डी पर फायर किया। इस घटना में गोल्डी के बाएं पैर में गोली लग गई। उसे इलाज के लिए मंडली अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गोल्डी के पास से 315 बोर का एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस एवं 2 खोखे बरामद किए गए। इसके साथ ही घटना में इस्तेमाल की गई बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली। अब तक इस घटना में 3 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। दिनांक 20 सितंबर को थाना कंद्रापुर अंतर्गत हरियरपुर गांव में एक हत्या की घटना कारित हुई थी, जिसके संबंध में थाना कंद्रापुर पर FIR नंबर 230/22, धारा 302, 323, 504, 506, 34 IPC व 7CL एक्ट विरुद्ध सुशील यादव उर्फ गोल्डी, मोनू यादव व 2 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण में दिनांक 21 सितंबर को नामजद अभियुक्त मोनू यादव को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया था। वह नामजद अभियुक्त सुशील यादव उर्फ गोल्डी के अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पुलिस व राजस्व टीम के द्वारा की गई थी। आज दिनांक 23 तारीख को इस घटना का अनावरण किया गया है। रात्रि लगभग 9 बजे नामजद मुख्य अभियुक्त व शूटर सुशील यादव उर्फ गोल्डी और इसका सहअभियुक्त काजू शर्मा उर्फ मनीष शर्मा पुत्र सुभाष शर्मा, जो दोनों हरिहरपुर के रहने वाले हैं, इनको दूधनारा तिराहे के पास से थाना कंद्रापुर की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त गोल्डी यादव ने बताया कि अभियुक्त व मृतक एक दूसरे से परिचित थे। वह एक दूसरे के यहाँ आना जाना था। लगभग 6 माह पूर्व इसके बड़े भाई सोनू यादव के साथ हृदय मिश्रा, आदर्श मिश्रा व कुछ अन्य लोगों की किसी बात को लेकर कहासुनी में मारपीट हुई थी। इस घटना के एक दिन पूर्व 19 सितंबर को उन्हें लक्ष्मीरामपुर में अभियुक्त व उसके साथियों की कहासुनी आदर्श मिश्रा व उसके साथियों के साथ हुई थी। इसी का बदला लेने के लिए अभियुक्त द्वारा यह घटना कारित करना बताया गया है। इस संबंध में विस्तृत पूछताछ अभी जारी है। घटना करने के लिए अभियुक्त काजू शर्मा की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल यूज हुई थी घटनास्थल पर जाने के लिए। ये बाइक काजू शर्मा खुद चला रहा था। काजू शर्मा की गिरफ्तारी भी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। अभियुक्त पीछे बैठा हुआ था। इस प्रकार से जिस बाइक से घटना करने गए थे वह बाइक भी पुलिस के द्वारा बरामद कर ली गई है। घटना में प्रयुक्त शस्त्र के संबंध में विस्तृत पूछताछ के बाद जब अभियुक्त को बरामदगी के लिए ले जाया गया तो रात्रि लगभग 11 बजे करेनवा मठ के आसपास इसके द्वारा पुलिस टीम पर उसी असलाह से फायर किया गया। पर्याप्त चेतावनी के बावजूद न रुकने पर पुलिस के द्वारा कंट्रोल्ड फायरिंग की गई आत्मरक्षार्थ, जिसमें इसके बाएं पैर में गोली लगी है। घायल अभियुक्त सुशील यादव उर्फ गोल्डी यादव को जिला अस्पताल आजमगढ़ उपचार के लिए भेजा गया है। इसके पास से घटना में प्रयुक्त एक अवैध असलाह, 315 बोर, 1 जिंदा कारतूस व 2 खोखा कारतूस, 315 बोर बरामद हुआ है। घटना के संबंध में दोनों अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट व धारा 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ साथ हिस्ट्री शीट गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाइयां भी सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रकार से इस घटना में अब तक 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें मुख्य अभियुक्त व शूटर सुशील यादव उर्फ गोल्डी यादव भी आज मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुआ है और इसके बाएं पैर में गोली लगी है। इसके साथ साथ घटना में प्रयुक्त अवैध असलाह, कारतूस और घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल ये भी बरामद कर लिए गए हैं और घटना का अनावरण आज पुलिस के द्वारा किया गया है। के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।